मेरी शादी जहां हुई थी वहां मेरी 2 सालियां और थीं। मैंने आज पहली बार देखा था क्योंकि रिश्ता जल्दी जल्दी में हुआ था। उन दोनों को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। खूबसूरत तो मेरी बीवी भी थी लेकिन अपने दोनों बहनों से कम थी। विदाई से पहले दूध पिलाई की रस्म पर दोनों ही मुझे घेर कर बैठी हुई थी और हुस्न में एक से बढ़कर एक थी। मैं कुछ देर देखता ही रह गया। उन दोनों के सामने मुझे अपनी बीवी कम हसीन लगने लगी थी क्योंकि उसकी रंगत अपने दोनों बहनों से कम थी। अपनी सालियों के मुलायम हाथों में मुझे अपना हाथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मेरे हाथ पकड़े अपनी दूध पिलाई का शगुन मांग रही थी जो मेरी हैसियत से तो बहुत ही ज्यादा था। मैंने कहा कि मैं ऐसी रस्मों को मानता ही नहीं हूँ। 5,000 लेनी है तो ले लो वरना फिर मैं वह भी अपनी जेब में ही रख लूंगा। हंसी मजाक का दौर चल रहा था लेकिन मेरे ससुर ने आकर मेरी ही बात को पहले रखा। मेरी सालियों के 5,000 लेकर मुंह बने हुए थे। बहरहाल विदाई हो चुकी थी। मैं कुछ बुजदिल किस्म का इंसान था। बीवी के साथ साथ मेरा दिल अपनी दोनों सालियों पर भी आ चुका था जो कम उम्र होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हसीन भी थी। मेरे माँ बाबा बड़े भाई के साथ देश से बाहर रहते थे। मेरे शादी के कुछ दिन बाद ही सब वापस जा चुके थे। मैं और मेरी बीवी अकेली ही इस घर में रहते थे। बहुत जल्द मेरी बीवी ने सारे घर के काम भी अपने ऊपर ले लिए थे। हालांकि शुरू के दिनों में इंसान को बीवी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरा मिजाज कुछ और था। मुझे औरतों में कशिश तब तक ही महसूस होती थी जब तक वह मुझसे दूर होती थी। जब वह मेरे पास में आ जाती मेरे लिए बेमतलब हो जाती। किरण मुझे बस शादी के दिन ही अच्छी लगी थी। इसके बाद मेरी रंगीन दुनिया मुझे घर पर चैन से रहने ही नहीं देती थी। जहां मुझे खूबसूरत लड़कियां नजर आती थी मेरी राल टपकने लगती थी। मेरी आंखों में मेरी हसीन सालियां खटकने लगी थी। मेरी शादी को बस एक हफ्ता गुजार था कि मैंने किरण से कहा कि चलो आओ तुम्हारी माँ के घर चलते हैं। तुम्हें भी तुम्हारी माँ और बहनों की याद आ रही होगी। मेरे ससुर बहुत शरीफ इंसान थे और उनकी 3 ही बेटियां थीं। बेटा कोई नहीं था। यह सुनकर किरण खुश हो गई। वह बड़े अच्छे से तैयार हुई थी और मैं इसके साथ अपने ससुराल पहुंच गया था। यूं अचानक हमें देखकर मेरी सास बौखला सी गई थी। कहने लगी, बेटा बात कर आते तो मैं खाने का कुछ इंतजाम भी कर लेती। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई गैर थोड़ी हूं। मैं तो आपका अपना ही बेटा हूं। सास तो मेरी इतनी सी बात पर ही मुझ पर फिदा सी होने लगी। कहने लगी, मैं तो खुशनसीब हूं कि मुझे बेटों जैसा दामाद मिला है। मैंने कहा, अगर आप मुझे बेटा समझती है तो घर में जो पका है बस वही सामने रखते, मैं खामोशी से खा लूंगा। लेकिन बाजार से मेरे लिए कुछ भी स्पेशल मत मंगाएगा। लेकिन फिर भी मेरे ससुर बाजार से मेरे लिए शाही पनीर लेकर आ गए और गाजर का हलवा भी साथ में था। मेरी सास ने दाल बनाई थी, वह भी गर्म करके रख दी। मैंने खाना बहुत अच्छे तरीके से खाया था। मेरी दोनों सालियां मेरे सामने बैठी हुई थी। कह रही थी, जीजू अपने पनीर तो खाया ही नहीं, हमारे घर के पास बहुत मजे का पनीर मिलता है, आप खाए। मैं उनके मीठे लहजे में ही खोने लगा था। बहरहाल खाना बड़े अच्छे माहौल में खाया गया था। फिर मैं बड़ी तसल्ली से ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया था। मेरा वापस जाने का कोई इरादा ना था इसलिए अपनी सालियों से कहने लगा, जाओ लूडो लेकर आओ, मिलकर खेलते हैं। मेरे सास ससुर थके हुए थे इसलिए कुछ ही देर हमारे पास बैठे थे, फिर अपने कमरे में चले गए। मैंने लूडो की महफिल जो जमाई तो रात के 2 बजे तक लूडो ही चलती रही। बहाने बहाने से मैं अपने पास बैठी छोटी साली के कभी कमर सहलाने लगता, कभी हंसते हुए इसके हसीन चेहरे पर चुटकी काट लेता। वह तीनों बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वह मुझे शायद बड़ा भाई समझती थी इसलिए मेरी ऐसी हरकतों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। इस दौरान किरण मुझे कई बार कह चुकी थी कि घर वापस नहीं जाना क्या, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं बात टाल देता। मैं कहता, किरण बस एक बार पायल को हरा दूं फिर चलते हैं। इसी चक्कर में रात के 2 बज गए तो मैंने कहा कि अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यही सो जाते हैं। मतलब यह था कि मेरी सास का घर छोटा था, बस 2 कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में सास ससुर थे, दूसरे कमरे में मेरी दोनों सालियां। मजबूरन दोनों ने अपना कमरा हमें दे दिया। सुबह नाश्ता करके ही मैं अपने घर वापस लौटा था लेकिन सालियों के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसलिए मैंने एक बार किरण से कहा कि देखो यहां पर मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम अकेले घर में बोर होती रहती हो तो ऐसा किया करो कि
अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह मेरी सालियां यहां रहने आ जाए। मुझे तो लगा था कि किरण मेरी बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समाएगी, लेकिन वह कहने लगी, मेरी बहनें अपने घर में ही ठीक है और मुझे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती, बोर हो भी जाओ तो टीवी देख लेती हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी न किसी बहाने से मेरी कोई ना कोई साली यहाँ आए ताकि इसके हुस्न के भी कुछ मजे ले सकूं। लेकिन जब मेरी बीवी सीधे तरीके से नहीं मानी तो फिर मैं दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी बीवी ने कपड़े धोए और उन्हें फैलाने के लिए छत पर चली गई। मैंने सीढ़ियों में सर्फ वाला पानी फेंक दिया। जैसे ही किरण खाली बाल्टी लिए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी तो उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया और वह गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ पहुंची। मैं अपनी यह कारस्थानी करके फौरन से कमरे में चला गया था ताकि मुझ पर किरण को शक ना हो जाए। किरण को यही लगा कि शायद कपड़े धोने के दौरान पानी इसी से गिरा है और वह फिसल कर गिर गई है। बहरहाल किरण के चीखने चिल्लाने की आवाज पर मैं दौड़ता हुआ बाहर निकाला था। देखा तो वह अपना पांव पड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठे रोए जा रही थी। मैं फौरन से उसके पास आया, उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। इसका पूरा पांव नीला हो चुका था, हिलने से भी बेगानी थी। वह दर्द के मारे चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश था। बहरहाल मैं इस अस्पताल ले गया। मेरी इच्छा के अनुसार उसकी हड्डी टूट चुकी थी। किरण रोए जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन से यह खबर अपने ससुराल में भी बता दी। मेरे सास ससुर के साथ दोनों सालियां भी घर पहुंच गई। किरण तो अपनी माँ के साथ गले लगकर रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो मैं किरण को अपने साथ अपने घर लेकर जाती हूँ ताकि हम इसकी देखभाल कर ले। मैंने कहा, यह तो मुमकिन नहीं है, मैं अकेला घर में किरण के बगैर तो रह नहीं सकता हूँ। हाँ, आप अगर सही समझे तो पायल को ही यही छोड़ दे, वह अपनी बहन को संभाल लेगी। पायल मेरी बीवी की छोटी बहन थी, किरण से बस 2 साल ही छोटी थी, लेकिन दिखने में किरण से ज्यादा हसीन थी। पायल भी रहने पर तैयार हो गई क्योंकि अपनी बहन की हालत देखकर वह परेशान हो गई थी। मुझे भी मौका मिल रहा था, किरण तो बिस्तर की होकर रह गई थी। पायल उसे खाना तक बेड पर लाकर देती देती थी। पहले पहल तो मैंने पायल से फ्री होने की बहुत कोशिश की, मजाक भी करता था ताकि वह मुझसे कुछ झिझक ना रखे। वह मेरे मजाक में भी सीरियस ही रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। मैं अगर इसके पास आने लगता तो वह दूर हो जाती, साफ कह देती, आप मुझसे दूर रखकर ही बात किया करें। मुझे दूर से भी बात सुनाई देती है, इसके इस तरह के लहजे से मैं कुछ समझ सा गया था। वह तो मुझे घास डालने को भी तैयार ना थी। मैं तो चाहता था वह मुझे एकदम फ्री हो जाए तो मैं मजाक मजाक में ही उसके साथ ऐसी हरकतें कर जाऊं तो उसकी मजाक में मेरा भी दिल बहल जाए। लेकिन पायल तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं तो चाहता था कि इससे रात देर तक बातें करूं और अपना मकसद भी पूरा कर लूं, लेकिन अब तक पायल ने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया था, हालांकि किस्मत ने दिया था। एक बार अपने घर पर आया तो पायल किचन में काम कर रही थी और मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन मैं किचन में दाखिल हो गया। वह बिना दुपट्टे के खाना बनाने में बिजी थी। शायद गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा उतार कर किचन के दरवाजे पर लटका दिया। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था, लेकिन आज उसे देखकर मेरी नजरें बेबाक हुई थीं। शायद मेरी नजरों की गर्मी का असर था कि एकदम पायल ने पलटकर मुझे देखा तो वह घबरा सी गई। मैं भी कुछ संभल गया। मैंने कहा, वह गिलास लेने आया था। पायल, मुझे जरा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे के पायल को मेरे सामने शर्म सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं इसकी शर्म से लुप्त उठा रहा था। उसने शीशे का गिलास लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया और दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उतार कर खुद पर ओढ़ने लगी। मैंने इसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए इसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वह मुझे हैरत से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शराफत दिखाकर तंग आ चुका था। अब मैंने अपनी बीवी का पाव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आधी घरवाली की बस शक्ल ही देखता रहूं। जब मैं इसका हाथ नहीं छोड़ा तो वह मुझसे ऐसे लहजे में बोली, कहने लगी, अमन भाई मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, पायल तुम्हारे हाथ तो किरण से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये कहते हुए मैं इसके करीब आ गया। मैं जानता था कि औरत तारीफ से पिघल जाती है, इसलिए मैंने तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। लेकिन पायल ने तो
मैं नहीं जानता था कि वह मेरे साथ इस तरह की हरकत भी करेगी। इसने मुझे धक्का दिया, मैं दरवाजे से जाकर लगा था। वह फौरन से किचन से बाहर निकल गई। इसका यूं धक्का देना मुझे बहुत बुरा लगा था। भला वह होती कौन थी मुझे धक्का देने वाली। मैं सोच चुका था कि अब इसे नहीं छोड़ूंगा। जब मैं कमरे में गया तो पायल किरण के पास बैठी रो रही थी। जब मैं कमरे में गया तो मुझे नफरत से देखते हुए फौरन से चुप हो गई। किरण इसे रोने की वजह पूछ रही थी। मैंने कहा, होना क्या है? खाना बनाते हुए हाथ जल गया है बेचारी का, मैंने बहाना बनाया था। यह सुनकर वह मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा, मैंने तो इसका हाथ पकड़ा था कि देखो ज्यादा जल तो नहीं गया, लेकिन तुम्हारी बहन तो शायद मुझे भाई समझती ही नहीं है। यूं मुझसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारे पास आई, जैसे कि मैं कोई भूत हूं। मेरी बात सुनकर पायल मुझे नफरत और गुस्से से देखने लगी। किरण फिर पायल से कहने लगी कि अमन तुम्हारे बड़े भाई जैसा है, अगर तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख रहा था कि कितना जला है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं थी, लाओ दिखाओ। लेकिन पायल यह सुनकर कमरे से बाहर निकल गई और किरण से यह कहकर गई कि वह कल वापस चली जाएगी। मैं किरण के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन तुम्हारा ख्याल रखना नहीं चाहती, वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे अपना बड़ा भाई ही नहीं समझती। अगर तुम्हारा पैर ठीक होता तो मैं कभी भी तुम्हारी बहन के इस तरह के रवैया पर इसे अपने घर ना रखता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि फिलहाल मैं कोई नौकरानी नहीं रख सकता और तुम्हारे पांव का यह हाल है कि तुम बगैर सहारे के चल फिर नहीं सकती, इसलिए समझाओ अपनी बहन को। वह कहने लगी, आप फिक्र ना करें, मैं पायल से बात करूंगी। मैंने कहा, देखो मैं तो तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को अपनी ही बहन समझता हूँ, लेकिन पायल की आज की हरकत ने मुझे अपनी ही नजरों में शर्मिंदा करके रख दिया। वह तो मुझे यूं हाथ छुड़ा करके भागी जैसे कि मैं कोई गैर आदमी हूँ। मैं किरण के सामने अपना चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था। वह मुझे उल्टा माफी मांगने लगी कि बच्ची है, इसे समझ नहीं है। मैं इस बात पर किरण को बेफिक्र करके कमरे से बाहर आ गया। किचन में सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा था, क्योंकि पायल शायद दूसरे कमरे में चली गई थी। मैंने किचन से खाना लिया और किरण के साथ उसके कमरे में बैठकर खाने लगा। मैंने कहा, अब देखो मुंह सुझाए तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। किरण तो मुझसे शर्मिंदा हुए जा रही थी। खाना खाने के बाद मैंने किरण को दवाइयाँ खिलाई और उसमें मैंने एक नींद की गोली भी मिला दी, जिसे खाते ही किरण गहरी नींद सो चुकी थी। जब मैंने देखा कि अब किरण उठने वाली नहीं है तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। सामने कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि पायल, किरण की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वह तुम्हें बुला रही है। मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वैसे दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वह कभी भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मेरा यह कहना था कि फौरन से कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। जैसे ही पायल कमरे से बाहर निकलने लगी, मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कमरे के अंदर धकेल दिया और खुद भी कमरे के अंदर चला गया। कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। यह देखकर तो पायल की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, अमन भाई यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, कौन सा भाई, कैसा भाई, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूं, तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे वैसे ही पागल कर रखा था, बहाने से तो मैं तुम्हें यहां बुलाया है। यह सुनकर तो पायल की रंगत पीली पड़ गई। कहने लगी, शर्म करें, मैं आपकी छोटी बहनों जैसी हूं, अब के लिए आप यहां से चल जाए। लेकिन मेरा कहा ऐसा इरादा था, मैं अपना जो गंदा इरादा लेकर इस कमरे में दाखिल हुआ था इसे पूरा करने में कामयाब हो चुका था। मेरे सामने वह हाथ जोड़ती रही, रोती रही, बिलबिलाती रही, मेरी मिन्नतें करती रही कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने इसे बर्बाद करके रख दिया था। वह अब सिसकियां से रो रही थी। कहने लगी, वह सब कुछ किरण को बता देगी। मैंने इसे धमकाना शुरू किया। मैंने कहा, देखो अगर तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुम अगर यह बात सबको बताओगी तो मेरे साथ जो होगा वो होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पर भी एक दाग लग जाएगा। अभी तो यह बात तुम्हारे और मेरे ही बीच में है, बेहतर है कि तुम जुबान बंद रखो। वह बस रोए जा रही थी। मैं इसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर सो गया। अगली ही सुबह पायल को तेज बुखार हो चुका था। किरण यह देखकर परेशान हो गई। कहने लगी कि यह तो खुद बीमार पड़ गई, मुझे क्या संभालेगी। अब यह था कि किरण सहारे से हल्का हल्का चलने लगी थी। मैंने कहा कि ऐसा करो, इसे घर भिजवा दो।
अपनी छोटी बहन को बुला लो, वह तुम्हारी देखभाल कर लेगी। मेरी दिलचस्पी और पायल से खत्म हो गई थी, अब इससे छोटी बहन तानिया में होने लगी थी, जो सिर्फ 16 साल की थी। मेरी बेवकूफ बीवी मेरी यह बात भी मान गई। मैंने फोन मिलाकर किरण को पकड़ा दिया, फिर अपने ससुर को बुलाया और कहा कि पायल को बुखार हो रहा है, इसे आप ले जाए, ऐसा करें तानिया को भेज दे, क्योंकि मेरा पांव तो अभी भी इस काबिल नहीं हुआ है कि मैं घर को संभाल सकूं। लेकिन यह बात जब पायल को मालूम हुई तो वह कहने लगी, नहीं तानिया यहां नहीं आएगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद पायल ने मुझे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है, तुम घर जाओ, तानिया है ना, संभाल लेगी अपनी बहन को। पायल मेरी हरकतों से वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी। बुखार में भी उठकर काम करने लगी, कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी हजार कोशिश के बावजूद पायल ने तानिया को यहां नहीं आने दिया था। कुछ दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार होने लगा। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ, पायल खाना बना रही थी कि मैंने उसे बाहों में जाकर लिया। मेरी हरकत पर पायल ने न जाने कब से छुरी उठाई और मेरे हाथ पर मार दी, मेरे हाथ पर कट लग गया था। मैं फौरन से इससे पीछे हट गया, यहां तक कि बहुत गहरा जख्म हो चुका था और खून बहने लगा था। मैंने इसे गुस्से से देखकर कहा कि जाहिल औरत, ये क्या किया है तुमने। वह कहने लगी, आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी तुम्हें। इसकी आंखें उस वक्त लाल रंग के जैसी हो रही थीं। पहली बार मुझे पायल का जुनून देखकर डर लग रहा था। मैं फौरन से अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया था। मेरा जख्मी हाथ देखकर किरण मुझे वजह पूछने लगी। वह कहने लगी, आपके हाथ को क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता, फौरन से पायल कमरे में आ गई, कहने लगी, दीदी मैंने तो अमन भाई से कहा था कि मैं खुद काम कर लूंगी, लेकिन वह कहने लगे, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, इसलिए सलाद काटने लगे। अब उन्हें कहा, ऐसे कामों की आदत है, देखिए ना, अपना हाथ कटवाकर बैठ गए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, पायल ने मुझे हैरान कर दिया था। इसने मेरी ही चाल मुझ पर चलाई थी। मैंने इसे गुस्से से देखा था, लेकिन वह बिल्कुल डरी हुई नहीं थी। किरण मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, आपको क्या जरूरत थी, देखिए कितना गहरा जख्म कर लिया है आपने। फिर पायल से कहने लगी कि जरा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ा दो। उसने दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और किरण को पकड़ा दिया। मैंने औरत का बस एक ही रूप देखा था और वह था कमजोर और बेबस। औरत की बेबसी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक औरत को बेबस और मजबूर देखकर उसके मजे उठता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल 3 दिन तो मैंने पायल से कुछ नहीं कहा और अपना जख्म ही ठीक होने का इंतजार करता रहा, लेकिन मैं जानता था कि यह कमजोर लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जख्म कुछ सही हुआ, मैंने रात के वक्त पायल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। उससे कहा कि दरवाजा खोलो, वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि मेरी यह धमकी हर बार मेरे काम आ जाएगी। मैं इस बात का फायदा उठाता रहूंगा, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। मैं काफी देर दरवाजा धीरे धीरे से बजता रहा, दबी दबी आवाज में धमकियां देता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार मैं मायूस होकर अपने कमरे में आकर लेट गया था, लेकिन मुझे पायल पर बहुत गुस्सा आया था। सुबह उठा तो मैंने किरण से कहा कि काफी दिन से पायल घर संभाल रही है, बेचारी थक गई होगी, इसको घर भेजकर तानिया को बुलवा लो। लेकिन पायल कहने लगी कि तानिया की पढ़ाई का वेस्ट होगा, मैं हूं ना आप लोगों की सेवा करने के लिए। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब बिगाड़ आने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सी होने लगती थी। मैं लेट तो जाता था, लेकिन नींद आंखों में नहीं आती थी। अपनी इस कैफियत से तंग आकर मैं करीबी एक क्लिनिक में चला गया, उसने मुझे दवाइयां दे दी। मैं वह खाता तो गहरी नींद सो जाता, लेकिन इसके बाद मैंने यह बात महसूस की कि मेरी सेहत गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जरा सा चलता तो मेरा सर खोलने लगता था, मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगते थे। मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। यह जानकर मैं पायल पर भड़क उठा, लेकिन वह हंसकर कहने लगी, तुम जैसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। और पायल ने सारी बात अपनी बहन को बता दी और किरण ने मुझे तलाक दे दी। आज मैं अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें
ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।